आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा आवाम को ना मिल सका। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8.95 रुपए इजाफा, कीमत 244.95 रुपए मुकर्रर, पेट्रोल की कीमत में 3.05 रुपए कमी, नई कीमत 227.29 रुपए हो गयी। बलोचिस्तान में सैलाब से मजीद 9 अमवात, तादाद 136 हो गई, 13,535 मकानात तबाह, मुख्तलिफ मुकामात पर 16 पुल टूट गए। PDMA, जिला इंतजामिया, पाक फौज और पाक बहरिया का मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन, मुतासरीन को तैयार खाना, राशन और दीगर जरूरी सामान तकसीम किया गया। मर्दान में बारिश के बाईस खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 3 खवातीन जां बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। कोटली आजाद कश्मीर में सैलाबी रेले से मकान की छत गिर गई, 10 अफराद जां बहक हो गए, मरने वालों में 3 बच्चे और 7 खवातीन बच्चे शामिल। कराची में सुबह सवेरे हल्की बारिश से मौसम खुशगवार, यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, डिफेंस, ओल्ड सिटी एरिया और नॉर्थ नाजमाबाद में बारिश, आसमान पर बादलों ने डेरे जमा लिए। सिंध के दीगर अजला में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। बच्चों की मौजें खत्म, अब पढ़ाई होगी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गर्मियों की छुट्टियां खत्म, प्राइवेट तालीमी इदारे खुल गए। कराची में बारिश के बाईस बच्चों की स्कूल में हाजिरी मामूल से कम रही, KP में हजारा और मालाकुंड डिवीजन में भी स्कूल खुल गए।